हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज यहाँ पर हम बात करने वाले इन्फीबीम कंपनी के बारे में, दैट इज इन्फीबीम एवेन्यू कंपनी के बारे में। कंपनी काम क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है और इस कंपनी के अंदर यहाँ पर आपको किस तरह का प्राइस मोमेंटम, टेक्निकल बेसिस पर कौन से प्राइस लेवल पे आप बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपने इस शेयर के अंदर पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो इस कंपनी के बारे में आप जान लीजिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी क्या रहेगी, इस कंपनी के अंदर ग्रोथ क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, इस डेली स्टॉक को यहां पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो यहां पर सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। दैट इज इन्फीबीम एवेन्यू इज अ कंपनी दैट इज बीन एंगेज इन द वर्क ऑफ प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज इन मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स एंड अदर एंसिलरी सर्विसेज। सो मेन जो यहां पर कारोबार है इस कंपनी का, जो मेन है वो है कंपनी के अंदर जो भी डिजिटल सर्विस जो होती है वो प्रोवाइड करना। सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी जो है, सॉल्यूशंस जो होती है वो प्रोवाइड करती है। और उसी के साथ साथ में इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अंदर, कंपनी का जो यहाँ पर बिजनेस है, जैसे कि पेमेंट के अंदर जो भी काम होता है, पेमेंट गेटवेज होते हैं, अगर आप कोई पेटीएम पे या फिर एक्स वाई जेड कोई भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो वो जो पेमेंट गेटवे होता है उसके अंदर भी ये कंपनी काम करती है। और मोर देन 200 से भी ज़्यादा पेमेंट मेथड्स जो है वो यहाँ पर इन्फीबीम के द्वारा अक्वायर किए गए हुए हैं। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो कंपनी है, जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड है। और उसी के साथ साथ में यहाँ पर जो ये कंपनी है वो सिर्फ इंडिया में ही वर्क नहीं करती, बट इंडिया के साथ साथ में इंडिया, UAE, KSA, ओमान और USA में भी ये कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पर आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 6,327.21 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड रेशियो इसका 0.11% और फेस वैल्यू शेयर की 1 रुपीज़। बीटा है इसका 0.71, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.71% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो वो है 40.97। अगर उसके मुकाबले अगर हम इस शेयर को कंपेयर करें तो बहुत ही महंगे प्राइस टू अर्निंग पे शेयर जो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज 115.85 के नियर बाय। प्राइस टू बुक के भी अगर वे में अगर हम देखते हैं तो प्राइस टू बुक शेयर का 2.38 और बुक वैल्यू शेयर के 19.95 रुपीज़। फाइनेंशियल ट्रेंड अगर हम यहाँ पर कंपनी का कंपेयर करें 2018-19 में जो कंपनी के जो बिजनेस सेगमेंटेशन है उसके अंदर जो कंपनी के जो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स और जो ओपोनेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा कम थे, बट 2020-21 के अंदर वो यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। उसके कारण जो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी यहाँ पर आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, बट फिर भी एक सस्टेनेबल बिजनेस यहाँ पर हमें कंपनी का देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें यहाँ पर तो कंपनी के खुद के जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर के द्वारा एक इन्वेस्टमेंट है 31.09%। FII एज वेल एज DII का भी इस कंपनी में बहुत ही अच्छा सा इन्वेस्टमेंट है, जो कि आपको बता रहा है कि FII का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 7.05%, DII का इन्वेस्टमेंट है 0.03%। और पब्लिक के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो इस कंपनी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 61.41% का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर पब्लिक द्वारा, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा मोस्टली यहाँ पर, और छोटे मोटे कॉर्पोरेट्स होते हैं उन लोगों द्वारा किया गया हुआ है। रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर पिछले कुछ क्वार्टर में, लेटेस्ट पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। तो सबसे पहले दिसंबर 2020 में यहाँ पर जो कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था 229 करोड़ रुपीज़, और उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी ने 12 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। क्योंकि मार्च 2021 में जो कंपनी का जो टोटल इनकम था वो डिक्लाइन होकर हो चुका था 203 करोड़ रुपीज़, बट कंपनी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो गई कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर, दैट इज 32 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है। और जून 2021 में 218 करोड़ का कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट किया है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है 10 करोड़ रुपीज़ के नियर बाय। बट फिर भी अगर हम यहाँ पर ओवरऑल बेसिस पर देखें तो कंपनी जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छे हैं, और कंपेयर कर लेते अगर हम अभी के जो कंपनी रिजल्ट आने वाले हैं, क्वार्टरली 2 रिजल्ट आएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि जो कंपनी पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में 20 करोड़ या फिर 20 करोड़ प्लस यहाँ पर हमें कंपनी के प्रॉफिट में आपको राइज देखने को मिल सकता है। सो अगर हम कंपेयर भी करेंगे अगर पिछले क्वार्टर के साथ तो काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, और शेयर प्राइस के अंदर भी ये जो है वो आपको ज़रूर इफेक्ट होते हुए देखने को मिलेगा। रिटर्न रेशियोज अगर हम इस कंपनी का कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले जो रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो ये आपको बता दें कि कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कमा पा रही है, तो वो है इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज इन द ईयर मार्च 2019, दैट इज 4.63
3.88%, मार्च 2020 के अंदर 3.85%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 2.5% का गैप पर कंपनी का ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज देखने को मिला है। ROC की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो आपको बता रहे कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी कैपिटल है मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो था इस कंपनी 2019 के अंदर 3.77%, मार्च 2020 के अंदर 2.64%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 2.61% का यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिला है। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूँ तो वो आपको बता रहे कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी एसेट्स है कंपनी का खुद का, तो उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है ऑन एन ईयरली बेसिस। सो म्यूचुअल फंड हाउस जैसे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि एक अच्छा से राइजिंग फेज में हो तो कंपनी के लिए एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इन्वेस्टर काफी अच्छी और पॉजिटिव बात देखने को मिलती है। जो कि 2019 मार्च के अंदर 4% का था, मार्च 2020 के अंदर 3.45%, एज वेल एज मार्च 2020 के अंदर कंपनी का जो आर ओ है दैट इज आर ओ ए परसेंटेज है वो यहाँ पर गिरकर हो चुका है 2.03%। ऑल दो कंपनी के जो रिटर्न रेशियो से यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस के थ्रू बहुत आपको डाउन जरूर देखने को मिल रहा है, जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कंपनी का मार्केट कैप यहाँ पर काफी वाइड है और उसके साथ साथ में कंपनी जितना प्रॉफिटेबल स्टेट यहाँ पर आपको देखने मिलने चाहिए वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो एंटीसिपेशन रहेगा कि जो मार्केट में जो कंपनी क्वार्टरली 2 रिजल्ट आएंगे वो थोड़े बहुत अगर से मतलब अच्छे खासे पॉजिटिव हुए, दैट इज मोर देन 20 या 25 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का प्रॉफिट हुआ, तो और पॉसिबिलिटी है कि अच्छा सा शेयर के प्राइस के अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिले। लेवरेज रेशियोज अगर हम यहाँ पर कंपनी का कंपेयर करें तो डेट टू इक्विटी जो सबसे पहले जो है रेशियो कंपनी का मार्केट में जो डेट है वो ना के बराबर इट इज 0.01 की रेशियो वो में कंपनी का डेट टू इक्विटी है। सो पॉसिबिलिटी है कि अगर समझ लो कंपनी डेट फ्री भी हो जाए तो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट वहाँ पर हमें देखने को मिले। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हम यहाँ पर देखते हैं इस कंपनी का, तो वह बोलते हैं कि कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट है तो कंपनी क्या कैपेसिटी मार्केट में इंटरेस्ट पे करने की, तो वो आपको बता दें कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। तो वो था इस कंपनी 2019 मार्च के अंदर 16.3%, मार्च 2020 के अंदर 17.8%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 21.01% का कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें यहाँ पर देखने को मिला है। मार्केट प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हो कि शेयर का प्राइस के अंदर हाई प्राइस आप देख सकते हो नियरली 116.16 रुपीज़ और लो प्राइस 12.64 के नियर बाय। और अगर हम 5 ईयर हाई प्राइस की बात करें तो उसके हिसाब से अच्छा सा नतीजे यहाँ पर हमें देखने को मिला, बट फिर भी करंटली यह शेयर 47.45 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। 48.5 का लेवल अगर यहाँ पर तोड़ता है तो बहुत ही अच्छा सा राइस यहाँ पर हमें 5% 8% तक का जो ग्रोथ है यहाँ पर हमें शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देखने को मिल रहा है। ऑल दो इन्वेस्टमेंट रहेगा आपके ऊपर की कंपनी के अंदर यहाँ पर आपको किस तरह का भरोसा है कि कंपनी जो क्वार्टरली 2 रिजल्ट आएंगे वो कितने यहाँ पर पॉजिटिव हमें देखने को मिल सकते हैं, बट फिर भी ऑन ए टेक्निकल बेसिस 48.5 के ऊपर अगर जाता है सस्टेन करता है तो बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही अच्छी आप लोग को राइज देखने को मिल सकता है शेयर के प्राइस के अंदर। सो होप करता हूँ कि आपको इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड कंपनी के बारे में अभी हमने जिस तरह से चैनल चीज किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।